हेलो देयर एवरीवन, वेलकम बैक टू सबरोज किचन। चलिए आज बनाते हैं बिल्कुल ही मटन स्टाइल की सोयाबीन यानी कि सोया चंक्स की रेसिपी। बिल्कुल ही जैसे आप मटन की सब्ज़ी बनाते हैं वैसी, टेस्ट में भी बहुत ही बेहतरीन, और बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिए है सोया चंक्स। तो इसको हमें आज इंस्टेंट बनाना है, तो मैंने इसको भिगोया नहीं है ना ही उबाला है, इसको डायरेक्टली हम यूज़ करेंगे। इसके साथ ही ले लिए हैं आलू। आलू को मैंने बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। इसके साथ यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और इसके साथ 4 हरी मिर्ची पीस कर मैंने इसका एक पेस्ट रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को भी मिक्सर में पीस लिया है। और इसी के साथ हमें लेने हैं कुछ खड़े गरम मसाले। तो खड़े गरम मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच जीरा, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3-4 लौंग ले लेनी है, थोड़ी सी काली मिर्च और 1 चक्रफूल यानी कि बादियान ले लिया है। ये खड़े गरम मसाले हम आज इस सब्ज़ी में यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकर और उसमें डाल दिया है 3 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें डाल देंगे ये खड़े गरम मसाले और इसी के साथ इसमें डाल देंगे जो प्याज का हमने पेस्ट बनाकर रेडी किया है, तो इसको भी इसके अंदर डाल देंगे और इसे बस 2 से 3 मिनट चलाएंगे हम, क्योंकि इसे हम प्रेशर कुक करने वाले हैं तो कोई भी चीज़ कच्ची नहीं रहेगी, आराम से और आसानी से पक जाएगी। तो इसे मैंने 2 मिनट चला लिया है। इसको मैंने हाई फ्लेम पर सौते किया है तो इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे करीब मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है इसके अंदर और अब इसको भी हम 2 मिनट सौते कर लेंगे प्याज के साथ। तो इसको सौते करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो मसालों में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, इसी के साथ यहाँ पे 3 चम्मच में डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। तो लाल मिर्ची आप जितना तीखा खाते हैं उतना डाल सकते हैं। 2 चम्मच मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर। इन चीज़ों को कर लेंगे मिक्स और इस वक्त फ्लेम को करेंगे थोड़ा सा लो ताकि मसाले जो है वो जले नहीं। तो इस तरीके से मैंने मसालों को भी भून लिया है। अब इस वक्त इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। तो टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट जो हमने रेडी किया था वो डाल दिया है मैंने और इस पर डाल देंगे नमक। तो जितना नमक आप चाहें टेस्ट के हिसाब से उतना इसमें इसी वक्त डाल दीजिएगा। इसको भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स और बस 2 मिनट इसी तरह इसको रहने देंगे, कुक होने देंगे ताकि इसमें से ऑयल जो है वो हल्का सा रिलीज हो जाए। तो फ्रेंड्स, ऑयल भी जो है वो रिलीज हो चुका है। तो अब इसमें डाल देंगे सोया चंक्स। तो इस तरीके से सोया चंक्स डालने से क्या होता है कि सोया चंक्स जो है वो मसालों के साथ ही उबलेंगे, उसी में फूलेंगे, तो मसाले अंदर तक चले जाएंगे सोया चंक्स में। तो सोया चंक्स को भी इसी तरीके से हम चला लेंगे मसालों के साथ। आप देख सकते हैं सारे ही मसालों की कोटिंग अच्छे से हो चुकी है सोया चंक्स पर। तो इस तरीके से चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे जो आलू हमने कट करके रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उनको बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। आलू को भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसालों के साथ। ये झटपट सी रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाती है और टेस्ट इसका जो है वो बिल्कुल ही जैसे मटन की सब्ज़ी खा रहे हैं या चिकन खा रहे हैं वैसा ही टेस्ट आता है इसका। और प्रोटीन भी देखने जाए तो उसके बराबर ही है, क्योंकि सोया चंक्स जो है वो प्रोटीन से भरपूर होते हैं। अब इस पे मैं डाल रही हूँ मटन मसाला। तो यहाँ पे आप मटन मसाला या चिकन मसाला कोई भी एक डाल सकते हैं। अगर ये नहीं डालना चाहते तो गरम मसाले का यूज़ इस जगह पर आप कर सकते हैं। तो लास्ट में मैंने मटन मसाला डाला है और अब इस मसाले को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस सब्ज़ी के साथ। और अब फ्रेंड्स, इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, जितना हमें ग्रेवी में रखना है उससे थोड़ा ज़्यादा, ताकि अच्छे से जो सोया चंक्स है वो फूल सके। तो जब हम इसको प्रेशर कुक करेंगे तो पानी की क्वांटिटी खुद ही घट जाएगी। तो जब आप बना रहे हैं तो बस इतना ध्यान रखिए, इसको इस वक्त पानी थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। तो पानी को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और अब इसे करेंगे कवर। और कवर करने के बाद इसको सिर्फ 3 विसल्स के लिए हमें पकाना है, बस 3 विसल से ज़्यादा नहीं लगेंगी इसमें। तो इसे मैं कर ले रही हूँ कवर और अब इसे 3 विसल्स के लिए हाई फ्लेम पर हमें रहने देना है। जब 3 विसल हो जाए तब हम एयर को खुद ही सेट होने के लिए छोड़ देंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, 3 विसल भी हो चुके और एयर अपने आप सेट हो चुकी है और हमारी सोया चंक्स की सब्जी बिल्कुल ही मटन स्टाइल की बनकर रेडी है। लग रही है ना बिल्कुल ही मटन जैसी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस पे डाल देते हैं हरा धनिया। तो हरे धनिया से इसको गार्निश कर लेंगे और इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो ये रेडी है हमारी वेज मटन रेसिपी, बिल्कुल ही मटन मसाला स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है? अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और स्क्रीन पर जो रेसिपीज आ रही है वो क्लिक करके उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।